स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, दैट इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स. इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस. वी नो वेरी वेल कि जो फूल्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं. इट इज़ ऑलवेज टोल्ड दैट कि ये एक कहावत है कि मूर्ख दोस्त से एक बुद्धिमान दुश्मन अच्छा है. That why it is told that because fools are very dangerous to us, that only very wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happens to them? Because the name of the lesson is Kingdom of Fools. It means one kingdom is there in which people who are living there are fools. Okay, very interesting story it is, and interesting and very simple story it is. Listen to carefully, you will enjoy it. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. Okay, and the name was their kingdom of fools, because they were fools, idiots. That was the reason the name was kept as a kingdom of fools. तो उसमें minister और king दोनों ही क्या हैं? Idiots हैं. ठीक है, means they are fools. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे. जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा अपना एक रूल होना चाहिए, हम ऐसे काम करेंगे या वैसे काम करेंगे. सो दे ऑल्सो वॉन्टेड कि हमारे तरीके से काम होना चाहिए. तो उन्होंने एक नया ही तरीका अपनाया कि डे जो होगा दैट विल बी अ नाइट एंड नाइट विल बी अ डे. इसका मतलब क्या हो गया कि जो काम हम डे में करते हैं वो कब करेंगे? नाइट में. और जो नाइट में करते हैं वो कब करेंगे? डे में. ठीक है. They ordered that everyone should be awake at night, till their feet, and run their business only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. तो उन्होंने क्या ऑर्डर किया सभी को? That everyone will wake up at night. सभी रात को जागेंगे, अपनी फील्ड्स में जो हल चलाना है, अपने जोतना है खेत को, वो भी रात को करेंगे. बिजनेस ऑल्सो दे विल डू एट नाइट, एंड इन द मॉर्निंग एज सून एज द सन विल राइज दे विल स्लीप. ओके, एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. क्योंकि मौत से तो सभी को डर लगता है, सो द पीपल डिसाइडेड टू do the things which were told to them. The king and the minister were delighted at the success of their project. कि हम लोगों ने जो एक रूल शुरू किया है that was successful. तो ये सोच के क्या हुआ? They both were very happy. बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हाँ, हमने जो एक रूल लागू किया, and everyone was ready to do that. Delighted means happy. What is the meaning of delighted? Happy. Okay, clear up to here? I think this is very simple thing. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. No one about means aaspaas kahin pe nahi tha. Ek गुरु और उसका जो एक स्टूडेंट है, डिसिपल, ठीक है, दे अराइव. वो वहाँ पे सिटी में आए घूमते फिरते. ठीक है, देखा कि शहर बहुत सुंदर है, बट सुबह के टाइम पे नो वन वॉज देयर. क्यों नहीं था कोई भी सुबह के टाइम पे वहाँ पे? बिकॉज कि उस किंगडम में सुबह ही रात थी और रात सुबह थी. इट मीन्स इन द मॉर्निंग एवरी वन वॉज स्लीपिंग. ठीक है, और काम कब करते थे? रात को. एवरी वन वॉज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टिरिंग. स्टिरिंग मीन्स मूविंग. क्योंकि जैसा देखो सारी चीज़ें होती रहेंगी, वैसे ही सारे जानवर पंछी वहीं पे ऐसा कुछ सीख गए सारा कुछ. ठीक है, इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. ठीक है, यहाँ तक कि जानवरों को भी ये चीज़ पता चल गई थी कि हमने सुबह सोना है और रात को जागना है. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय, अमेज्ड मीन सरप्राइज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम. क्या देखा उन्होंने? वो बहुत हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है. बिकॉज नो वेयर इन द वर्ल्ड दिस थिंग हैपन्स. कि कहीं पे भी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि रात को लोग जो है काम कर रहे हैं और सुबह को लोग सो रहे हैं.
एंड wandered अराउंड टाउन टिल इवनिंग, शाम तक ऐसे घूमते रहे. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. जब शाम हो गई तो सारे फटाफट उठ गए, क्योंकि सुबह के टाइम पे सोना था और रात को काम करना है, ठीक है. और सारे फटाफट अपने अपने कामों पे चल पड़े. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. अब भूख लगे हैं, खाने के लिए लेने गए तो क्या देखा, टू देयर एस्टोनिशमेंट. सो वन वॉज अमेज्ड, वट वॉज देयर, दिस इज एस्टोनिशमेंट, बोथ मीनिंग इज सेम सरप्राइज. दोनों का ही मीनिंग क्या है, सरप्राइज. दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डूडू. अ सिंगल डूडू मीन्स अ सिंगल रुपए. दो रूल्स थे यहाँ के. फर्स्ट रूल वॉज डे विल बी नाइट एंड नाइट विल बी डे. और सेकेंड रूल क्या हो गया हमारा, दैट एवरीथिंग विल बी ऑफ अ सिंगल डूडू मीन्स वन रुपी. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास. चाहे वो राइस खरीद रहे हैं, चाहे वो बनाना खरीद रहे हैं, चाहे वो मीट खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीदें, इट कॉस्ट अ डूडू. उसका सिर्फ कीमत क्या है, एक रुपया, एक डूडू. द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी. यानी जितना मर्जी खाना खरीद सकते हैं वो सिर्फ एक रुपये में. क्लियर. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools, and it would not be good idea for them to stay there. जब उन्होंने खाना बनाया, खाना खाया, तो उसके बाद realization हुआ गुरु जी को कि ये this is a kingdom of fools, यहाँ पे रहना अच्छा idea नहीं है. हमें नहीं पता कि अगले, क्योंकि देखो फूल पीपल हैं, जो मूर्ख इंसान ये रूल बना सकता है कि डे नाइट है और नाइट डे है, तो वो कभी भी कोई भी रूल बना सकता है, नेक्स्ट ही अगले ही पल में क्या कर दे, किसी को नहीं पता है, ठीक है. तो इसीलिए क्या है कि ऐसी जगह पे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है. इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर. दिस इज नो प्ले फॉर अ प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल. उसने अपने डिसिपल से क्या कहा, बिकॉज देखो गुरु हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, इधर उधर घूमे हैं, हर एक जगह पे गए हैं, तो उनको पता है क्या चीज़ सही है क्या नहीं. तो ही टोल्ड हिज डिसिपल ऑल्सो कि ये हमारे लायक रहने की जगह नहीं है, सो लेट्स गो फ्रॉम हियर. ओके. बट द डिसिपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस. एवरीथिंग वॉज चीप हियर. चीप मैंने सस्ता. द थिंग विच हैज़ वेरी लेस प्राइस. सस्ता, हर चीज़ सस्ती थी. क्यों? एक सिंगल डूडू की थी हर एक चीज़. ही ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड. ठीक है, वो क्या चाहता था कि अब इतना सस्ता मिल रहा है तो कौन नहीं चाहेगा कि मुझे इतना सस्ती खाने को मिले. तो ये उसको अच्छा खाना मिल रहा था, वो भी सस्ता. सो ही वांटेड दैट टू ईट. ठीक है. द गुरु सेड they are all fools, this won't last very long and you can't tell what they will do to you next. ठीक है, ये सारे मूर्ख हैं, तुम्हें नहीं पता चलेगा, ये इतने लंबे टाइम तक ऐसा कुछ नहीं चल सकता. और ये नहीं पता कि अब तो तुम एंजॉय कर लोगे, खा लोगे, पी लोगे, ऐसा नहीं पता कि कल को ये तुम्हारे साथ क्या करते. बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज़ विजडम. विजडम इज वाइज वर्ड्स. उसकी जो सलाह थी बहुत अच्छी सलाह थी, उसको नहीं माना. ही वॉन्टेड टू स्टे. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वट यू वॉन्ट टू वट यू वॉन्ट वही करो जैसा तुम करना चाहते हो. ही टोल्ड, क्योंकि हम किसी को फोर्स तो कर ही नहीं सकते ना. आई एम गोइंग एंड लेफ्ट. उसको ये कहा कि बट आई विल नॉट स्टे हियर, आई विल गो. ऐसा कह के गुरु जी वहाँ से चले गए. द डिसिपल स्टेट ऑन एट इज फिल एवरी डे. एट इज फिल एवरी डे मीन्स अपनी मर्जी से जितना खाना है उतना खाया, दब के भर के, जी भर के खाना खाया. बनानास एंड घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैकर्ड बुल.
सेक्रेट मीन्स रिलीजियस, जो गली में बुल्स होते हैं उनके जैसे वो बहुत ज़्यादा मोटा ताजा हो गया, खा खा के बहुत ज़्यादा मोटा ताजा हो गया। दैट मच इज़ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन टुमारो। बाय स्टूडेंट्स।